हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद, आज की इस वीडियो में जेएसएससी पीजीटी के रिगार्डिंग हम लोग एक महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे छात्रों का प्रश्न था कि सर की फॉर्म अब भरे जा चुके हैं, तो इसमें कुल कितने फॉर्म गए हैं और कितने कुल फॉर्म रद्द हुए, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह के रिलेट। इसके अलावा जो परीक्षा की तिथि है वो कब तक संभावित है, तो आज की इस वीडियो में उसी पर हम लोग ये दो इम्पोर्टेंट पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि और भी छात्र इसके बारे में जान सके और अपने परीक्षा के लिए उसका उपयोग कर सके। साथ ही जो भी छात्र जेएसएससी पीजीटी 2023 के लिए महासंग्राम ओपन टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। कुछ सब्जेक्ट के जो टेस्ट सीरीज हैं प्रारंभ हो चुके हैं और कुछ से टेस्ट सीरीज जो है प्रारंभ होना बाकी है। अगर हम बात करें तो अभी जो टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रहे हैं उसमें आपका कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और हिंदी लिटरेचर का, ये छह विषयों के लिए जो है टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर इसमें अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपका 10 टेस्ट जो है आपका कंप्लीट, आपको 150 प्रश्नों का 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा पेपर वन के टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। पेपर वन के जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर है उसमें भी 10 फुल मॉक टेस्ट होगा जो कि 100 प्रश्नों का रहेगा। मतलब कि एग्जाम के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको स्ट्रेटजी भी हमने बताया था, रणनीति क्या होगी कि चैप्टर वाइज करने के बाद हम लोग फिर फुल मॉक टेस्ट करते हैं, तो फुल मॉक टेस्ट जो है आप प्रारंभ हो चुके हैं। तो अपना रजिस्ट्रेशन अगर अभी तक नहीं कराए जल्द से जल्द करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर भी आप स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट सीरीज से बहुत सारे फायदे होते हैं। ये ऑनलाइन फुल मॉक टेस्ट होगा जो कि सीबीटी मोड पर आधारित होगा, आप अपने मोबाइल पर ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं। इसका अपना एक शेड्यूल टाइम होता है जो कि सुबह में 10 बजे होता है, लेकिन कोई छात्र जो है बाद में देना चाहते हैं या फिर शाम में देना चाहते हैं, अभी दो टाइम है, एक 10 बजे और एक 5 बजे, लेकिन कुछ छात्र अगर छूट जाता है लेकिन बाद में वो देना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट ही, बिल्कुल वो दे सकते हैं, वो स्वतंत्र है। हाँ, रिजल्ट जो है 1 से 2 दिन में प्रकाशित कर दिया जाता है, तो रिजल्ट प्रकाशित होने से पहले जिससे कि आपका नाम उसमें भी रहे, लेकिन अगर बाद में भी देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, स्वतंत्र है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। फिर बाद में भी टेस्ट अगर देखना चाहते हैं बिल्कुल आपको टेस्ट पेपर वो उपलब्ध कराया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि पीजीटी के रिगार्डिंग आज हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि कुल आवेदन कितना किया गया। आपको पता होगा कि जो जेएससी के द्वारा जो पीजीटी के लिए करीब जो है 3000 से ज्यादा पोस्ट जो है 11 विषयों के लिए, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सारे विषयों को 11 विषयों को मिलाकर कुल 3000 से ज्यादा पोस्ट से, और इसके लिए इस बार जो है 1,22,000 जो है कुल आवेदन किए गए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम बात करें, चूंकि इसमें देखिएगा तो पूरे भारतवर्ष से, जब बात करते हैं भारतवर्ष की, तो पूरे भारतवर्ष से इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो पूरे भारतवर्ष से छात्र फॉर्म भरे हैं, इसलिए हो सकता है कि संख्या ये बहुत ज्यादा लग रही है। क्योंकि पहले जो सिस्टम था आपका कि जो पिछले साल वगैरह की जो 10वीं और 12वीं झारखंड से किए हैं वही फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन इस बार जो है नियोजन में बदलाव किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था, इसलिए हो सकता है कि संख्या बढ़े। अगर हम बात करें तो बहुत सारे छात्र ये भी पूछते हैं कि हर एक विषय में, जैसे कि कॉमर्स में कितना आवेदन किया गया, हिस्ट्री में कितना आवेदन किया गया, इकोनॉमिक्स कितना आवेदन किया गया, तो सब्जेक्ट वाइज भी पूछा जाता है कि आवेदन कितना किए गए। तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जेएससी के द्वारा या फिर अन्य कहीं जहां पर ऑफिशियल कुछ अपडेट हो या फिर ऑथेंटिक चीजें हैं वो पता नहीं चल रहा है। कुछ छात्र बोलते हैं नहीं सर कि 11,000 तो कहीं 20,000 बोला जाता है, तो ये चीजें हम भी बोलने के लिए यहाँ पर बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, तो हम ये कहना मुश्किल है कि आखिर किस विषय में कितना अप्लाई किया गया है वो बताना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ऑथेंटिक चीजें अगर मिलती है तभी हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। बात करने के लिए तो बहुत सारे छात्र हैं, कोई 4,000 बोल रहा है, कोई 5,000 बोल रहा है, कोई 10,000, कोई 1,000, 11,000, लेकिन ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक चीजें नहीं है, तो सब्जेक्ट वाइज बताना यहाँ पर मुश्किल है। आपको बता दें कि जो जेएससी पीजीटी के लिए जो था वो 4 मई तक जो था फॉर्म भरे गए थे, और आवेदन की समाप्ति के बाद जो था आयोग के द्वारा जो है स्क्रूटनी किया गया विभिन्न जो आवेदन पत्र थे। अब इसमें 1,22,000 जो आवेदन सही पाए गए उसमें कुछ मतलब कि
और भी एक्स्ट्रा आवेदन आए थे जिसमें करीब 3,355 जो आवेदन से अधिक जो है अभ्यर्थियों का विभिन्न कारणों की वजह से, कारण क्या क्या हो सकता है, जैसा कि उन्होंने फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया, कोई पेमेंट नहीं किया और बहुत सारे अन्य कारणों की वजह से उनका रद्द कर दिया गया है। और करीब जो जैसा कि हमने बताया कि 1,22,000 जो अभ्यर्थी है उनका आवेदन सही पाया गया और ये सारे छात्र जो है जेएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें वो परीक्षा देंगे। जो सीबीटी मोड पर ये परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो झारखंड के विभिन्न शहरों में ये परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि झारखंड में कौन कौन से शहर जो है आयोजित मतलब परीक्षा के लिए आयोजन के लिए बताए गए हैं। अब आते हैं एग्जाम डेट को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि जेएससी ने 2023 के लिए कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर के अनुसार अगर देखा जाए, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए जो संभावित तिथि जारी किया गया है जेएससी के द्वारा, उसके तहत आप यहां पर देख सकते हैं कि परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि जो है यहां पर जुलाई 2023 रखा गया है। मतलब कि अगर आज के आधार पर देखे जाए तो करीब आपका एक महीना के लगभग जो आपके पास समय है, 30 से 40 डेज के लगभग आपके पास समय है जिसके तहत एग्जाम लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, अभी तक लेकिन इसके लिए अभी तक एडमिट कार्ड या फिर जेएससी के द्वारा कोई अन्य नोटिस जारी नहीं किया गया है जिससे कि ये पता चल सके कि हाँ इसी डेट में एग्जैक्टली एग्जाम होगा। इसमें हो सकता है कोई डिले भी हो या फिर इसी डेट में एग्जाम, दोनों चीजें संभव है। अब यहां पर कंफर्म बताइए कि सर कि डेट एक्सटेंड होगा, ऐसा बताना मुश्किल है क्योंकि वही चीज हम पीएसएम बता रहे हैं। जो भी चीजें हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं ऑथेंटिक चीजें जो न्यूज में आता है, बाकी सारी चीजें जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक कहना मुश्किल है या फिर कोई नोटिस ना आ जाए तब तक कहना मुश्किल है। इसलिए आपको टारगेट इसी को लेकर बनाना है। हाँ, कोई जेएससी के द्वारा कोई अगला नोटिस आता है कि डेट कोई और आया है या फिर एडमिट कार्ड जारी होता है तो हाँ उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू बनाकर रखें, कंटिन्यूटी बनाकर रखें और साथ ही आपका जो सिलेबस है, जो प्रैक्टिस सेट है, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, फुल मॉक टेस्ट हो, अभी से देना प्रारंभ कर दे क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब इसमें और भी छात्र बोलते हैं कि सर कि इसमें जो मान लीजिए हम परीक्षा वगैरह देते हैं तो इसमें क्या कोई रद्द होने की संभावना है, क्योंकि अगर देखिएगा तो 60-40 को लेकर बहुत सारे छात्र जो है अभी भी आंदोलन कर रहे हैं पूरे झारखंड वर्ष से और इसका भी बहुत जगह असर भी देखने को मिल रहा है। अभी तक सरकार के द्वारा भी इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कहा गया है और नहीं जेएससी कुछ कहा है, लेकिन जेएससी देखिएगा तो विभिन्न परीक्षाओं के लिए उसी नियोजन नीति के आधार पर विज्ञापन जारी करते आ रहा है। अभी देखिए कुछ दिन पहले, कल जारी हुआ, परसों जारी हुआ, विभिन्न परीक्षाएं करीब 10 से 11 वैकेंसी इस साल जारी हो चुका है, 11वां वैकेंसी। तो संभावनाएं हर तरह से देखी जा सकती है लेकिन जब तक कुछ हो ना जाए तब तक कहना मुश्किल है। अपने स्तर पर तैयारी करते रहे और जो भी छात्र हैं आंदोलन को सपोर्ट कीजिए क्योंकि 60-40 को लेकर बहुत सारे जो छात्र हैं आंदोलन कर रहे हैं तो उन चीजों का हमारा भी सपोर्ट है और आपका भी होना चाहिए क्योंकि जो चीजें गलत है उसका हर कोई विरोध करे। बाकी अपने स्तर पर तैयारी करते रहे जिससे कि अगर परीक्षा हो भी जाए तो आप सुनिश्चित हो सके कि हाँ मेरा रिजल्ट हो। बाकी आपकी तैयारी के लिए अभी जो जितने समय बचे हुए हैं इसमें आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के अलावा, प्रैक्टिस आपको हमने बताया है, रिवीजन के अलावा आपका प्रैक्टिस जो करें दो तरह से, फुल मॉक टेस्ट तो प्रारंभ हो चुका है, 6 विषयों का हमारे यहाँ अभी हो रहा है प्लस पेपर 1 का। अगर हम बात करें एक और प्रैक्टिस करने के लिए तो चैप्टर वाइज अगर हम प्रैक्टिस करने की बात करें तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी, जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो है, मैक्रो है, इंडियन इकोनॉमी है, तो उसके रिगार्डिंग आप प्रैक्टिस जरूर करें। यूथ पब्लिकेशन का बुक हो गया या फिर हमारे संस्थान में आप हैं तो वहां पर अभी आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं तो ये चीजें आप अभी से ही करते रहे। तो 3 चीजें आपको अभी से ध्यान रखना है, रिवीजन, फुल मॉक टेस्ट और तीसरा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। बाकी अगर किसी को कोई और दिक्कत होता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी आपके जो छात्र हमारे संस्थान में क्लासेस में जुड़े हुए हैं बिल्कुल उनका क्लास तो चल ही रहा है आपका, और जो छात्र क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं हो सकता है कि एग्जाम एक्सटेंड हो या रद्द हो तो आपको वो फायदा देगा या फिर अगले एग्जाम के लिए आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह में जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है और दोनों टेस्ट का, ऐसे तो देखिएगा तो 1,000 पेपर 1 का रखा गया है और 1,000 पेपर 2 का, लेकिन अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 1500 में आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा कोई छात्र सिर्फ पेपर 1 का तैयारी करना चाहता है तो उसका
500 लगेगा, और जो छात्र सिर्फ पेपर टू का करना चाहता है तो 1000 लगेगा, और जो छात्र क्लास के स्टूडेंट है तो उनको 250 रुपया कम लगेगा, जो भी आप पेपर वन में हो चाहे पेपर टू में। पेपर वन के लिए तो सभी के लिए 500 है, पेपर वन टू के लिए 750 रुपया लगेगा, और दोनों पेपर करते हैं तो 1250 रुपया जो है फीस आपका लगेगा। बहुत ही कम फीस है आपका सारे, चूंकि इसमें मेहनत भी होती है, टेस्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि नए प्रश्नों का कलेक्शन है, नए नए टॉपिक है, नए चैप्टर्स हैं, हर प्रश्नों का कलेक्शन करना पड़ता है, फिर जाकर ऑनलाइन टेस्ट लेना पड़ता है, एप्लीकेशन पर टेस्ट होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि अगर एग्जाम में हम टेस्ट देते हैं तो उसका कैसा हमें अनुभव हो, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या समस्याएं हो सकती है, वो सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाती है। रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, अपना रैंकिंग, और चूंकि आप हजारों छात्रों के बीच में आप टेस्ट देते हैं तो बिल्कुल आपको पता चलता है कि हाँ हमें और कहाँ कहाँ इसमें सुधार करनी है, तो सारे फैसिलिटी आपको यहाँ पर हमारे टेस्ट सीरीज में आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो छात्र क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, जहां पर आप रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको एक साथ दे दिया जाएगा, 90 से 100 क्लासेस होते हैं, तो डेली 3-4 वीडियो भी देखकर आप उसको एग्जाम से पहले कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा नया बैच भी आपको वहां पर उपलब्ध होगा, इसके अलावा पीजीटी के अलावा टीजीटी हो गया, जेटीट हो गया, सहायक जारी हो गया, उसके लिए भी नया बैच जो है प्रारंभ हो चुके हैं, तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, सारी चीजें उपलब्ध हमारे एप्लीकेशन स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा इसमें आपको हर फैसिलिटी, आपको डाउट सेशन वगैरह, प्रैक्टिस सेशन वगैरह, फुल मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती है। अब एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, तो एडमिशन के लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है स्वरूप अकेडमी पर आप ज्वाइन करके वहां पर सारे जो फ्री पीडीएफ और अन्य चीजें उपलब्ध है वो आप उसको डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, अगर किन्हीं का कोई डाउट होगा, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एवरीवन।